बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरे ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट पीटी 316 एसी मशीन के हवाले से ये सब्जेक्ट है, और इससे पहले आपने ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफार्मर जो है वो डिराइव कर ली है, तो उसी उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा ट्रांसफार्मेशन रेशो। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मेशन रेशो क्या है? द रेशो बिटवीन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज टू प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफार्मेशन रेशो। कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज और प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत को ट्रांसफार्मेशन रेशियो कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय के, तो इसको हम के से जाहिर करते हैं। हेंस के इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। अब वी एस अपॉन वी के वी पी के बराबर जो रेशो होगी उसे हम के कहते हैं। एट नो लोड कंडीशन, अगर ट्रांसफार्मर नो लोड की हालत में होगा तो उस वक्त वी एस ई एस के बराबर हो जाता है और वी पी जो है वो ई पी के बराबर। पिछले आर्टिकल में आपको बता चुका हूँ कि वी एस इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज होते हैं और ई एस इज द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। इसी तरीके से प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज और प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। तो लिहाजा हम देख सकते हैं कि के इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी, ये बराबर हो जाएगा ई एस ओवर ई पी के। एस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए, जो ई एम एफ इंड्यूस होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो जो जो ज़्यादा होते जाएंगे ई एम एफ भी ज़्यादा होती जाएगी। तो लिहाजा के क्या हो जाएगी, बी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी पी हम कह सकते हैं। अब वो बच्चे जो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए क्या है कि बाकी ये डेफिनेशन तो आपने उर्दू में लिख लेनी है, सिर्फ मैंने ये उर्दू की डेफिनेशन जो है वो आपको लिख दी है। आगे ये मैंने एक साइन डाला है, इस साइन का मतलब क्या है कि इस साइन के बाद ये चीज़ आप लोगों ने भी वही लिखनी होगी सेम एज इट इज़। तो लिहाजा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज और प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत को ट्रांसफार्मेशन रेशो कहते हैं, इसको के से जाहिर किया जाता है। तो बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास सादत होम ऑफ नॉलेज का चैनल है, तो इस चैनल से आप ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं। तो नए आने वाले स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी मुझे दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो ट्रांसफार्मेशन रेशो बेटा इसलिए आम है कि जब अगर ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन करना होता है तो डिज़ाइनिंग की सूरत में आपके पास ट्रांसफार्मेशन रेशो का नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ के इज़ ग्रेटर दैन वन, अगर ट्रांसफार्मेशन रेशो एक से ज़्यादा होगी तो फिर हम ट्रांसफार्मर जो कहलाएगा वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसी तरीके अगर के की वैल्यू वन से कम होगी तो देन वी से इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर हमारे पास इसका आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो लॉस फ्री कहलाता है। लॉस फ्री क्या है, इसके अंदर किसी किस्म के लॉसेज नहीं होते, यानी कि जितनी आपकी इनपुट वी ए होगी इतनी हमारे पास आउटपुट वी ए होगी। तो लिहाजा आइडियल ट्रांसफार्मर केस की में इनपुट वी ए इज इक्वल टू आउटपुट वी ए। अब वी ए क्या है, वोल्ट एम्पेयर। अब प्राइमरी साइड पे इनपुट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी पी आई पी। इसी तरीके से आउटपुट हमारे सेकेंडरी साइड पे होगी तो इसको हम लिखेंगे वी एस आई एस। अब देखेंगे अगर हम इस आई एस को इस साइड पे लाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, इस तरह वी पी उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू बन जाएगा वी एस ओवर वी पी। एस के इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी, ये पिछला आर्टिकल इसी के साथ आप पहले बता चुका हूँ कि के जो है वो क्या है, वी एस अपॉन वी पी। अब वी एस अपॉन वी पी की जगह मैं के लिख सकता हूँ तो देन वो के इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। अगर आप इस साइड को उल्टाते हैं, ये साइड उल्टेगी तो ऑटोमेटिकली ये भी उल्ट हो जाएगी। तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू वन अपॉन के। तो लिहाजा ये क्या शो कर रहा है कि इट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट्स। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मेशन रेशो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट्स के हवाले से। तो लिहाजा बेटा आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा, आगे आने वाली जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, तो इसको आप अच्छी तरीके से जहन नशीन करें। तो ये बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और याद रखिएगा तमाम की तमाम वीडियो जो हैं वो पूरी पूरी देखा करें, ऐसा ना हो सिर्फ आप वीडियो को टच करते जाएँ तो आपको इसकी कोई समझ नहीं आएगी। तो जब तक ये आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक आपका आर्टिकल जो है बेटा क्लियर नहीं होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।